हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स यूनिट 3 का वर्कशीट नंबर 7। इससे पहले के वर्कशीट मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज़ के भी आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन हमारा है, इज़ वन अ प्राइम नंबर? क्या वन एक प्राइम नंबर है? तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्राइम नंबर का डेफिनेशन, ए नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, उससे ज़्यादा ना हो। क्या हो? एक तो वन हो और दूसरा वो नंबर खुद ही हो। जैसे कि टू, टू का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? टू वन ज़ा टू, तो इसका क्या फैक्टर हो गया? टू हो गया और वन हो गया। यानी वन तो सबका फैक्टर रहता है और वो नंबर जो है वो अपने आप भी उसका फैक्टर रहता है। यानी कि जिसके दो ही फैक्टर हो, वो नंबर खुद हो और वो वन हो, बस उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। और वैसे नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि फोर, फोर का क्या क्या फैक्टर होंगे? टू इंटू टू इज इक्वल टू हमारा फोर हो जाता है। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो गया? टू हो गया, फोर हो गया, और फोर इंटू वन भी हमारा फोर होता है, तो इसका एक फैक्टर वन भी हो गया। यानी कि दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके, वन टू और फोर, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो आई होप आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जिसका फैक्टर सिर्फ दो ही हो, वन और वो नंबर खुद, और जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, वो कंपोजिट कहलाएंगे। और एक चीज़ देख लीजिए, प्राइम नंबर जो हमारा स्टार्ट है वो कहाँ से? टू से है, और ये कंपोजिट नंबर हमारा फोर से स्टार्ट है। जो वन है, वन से नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए आपका ये है कि वन का भी तो फैक्टर वन होता है और ये वो नंबर वन भी होता है, तो वैसा नहीं है। वन इज़ नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, ये कुछ दोनों में से कोई भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं हम, इज़ वन अ प्राइम नंबर? तो यहाँ पर हमारा होगा नो, ये प्राइम नंबर नहीं है। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या था? मैंने अभी आपको बताया था, जो स्मॉलेस्ट शुरू होता है हमारा प्राइम नंबर, वो है हमारा क्या? टू है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्टिंग था? फोर था। ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर यानी कि वैसा ओड प्राइम नंबर जो कि ओड हो, तो टू हमारा क्या है? ओड नहीं है, क्योंकि ये टू के टेबल में आता है, टू से डिवाइड होता है, टू का मल्टीपल है, ये हमारा ओड नहीं होगा। तो टू के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या हमारा? थ्री है। तो थ्री हमारा ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि देखिए थ्री का जो मल्टीपल्स हैं वो क्या क्या है? थ्री वन ज़ा थ्री है, सॉरी इसके जो फैक्टर्स हैं थ्री वन ज़ा थ्री, इसके वन और थ्री बस दो ही चीज़ से डिवाइड हो गए, तो वन से या तो थ्री से, इससे ज़्यादा इससे ये कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये ओड नंबर भी है और प्राइम भी है। अब इवन और कंपोजिट दोनों होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और कंपोजिट भी होना चाहिए। तो फोर देखिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखिए हमारा ये है टू, टू तो प्राइम में चला गया, तो बचा क्या? फोर। फोर कंपोजिट नंबर है, क्योंकि टू के दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, दो ही फैक्टर हैं, इसलिए प्राइम हो गया। फोर के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं और ये सबसे छोटा भी है, और ये क्या है? ये इवन नंबर भी है, क्योंकि ये टू का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी हमारा फोर होगा। उसी तरह से ओड कंपोजिट नंबर, ओड कंपोजिट नंबर हमारा क्या है? सबसे छोटा। तो ओड नंबर क्या हो गया? जो कि टू का मल्टीपल ना हो, ठीक है। और कंपोजिट क्या हो गया? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। तो देखिए ओड नंबर हमारा है, ये क्या कहते हैं यहाँ से, देखिए थ्री है, फाइव है, सेवन है, लेकिन ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राइम है, क्योंकि इनके दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। लेकिन नाइन देखिए, नाइन हमारा ओड नंबर है, क्योंकि ये टू का मल्टीपल नहीं है, और फिर ये क्या है? कंपोजिट भी है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे कि थ्री वन, थ्री थ्री ज़ा हमारा नाइन होता है और थ्री वन ज़ा भी हमारा नाइन होता है। इसके देखिए कितने फैक्टर हो गए, एक वन हो गया, एक थ्री हो गया और एक नाइन हो गया, यानी कि ये दो से ज़्यादा फैक्टर इसके हो गए, तो ये हमारा ओड और कंपोजिट दोनों नंबर हो गया नाइन। विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स? तो इसमें से कौन से प्राइम नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स जिसके कि दो से ज़्यादा फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर हमारा देखिए, एक हमारा सेवनटीन है, नाइनटीन है, और फिर हमारा 37 है, क्योंकि देखिए 10 हमारा 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, 1 के टेबल में, 10 के टेबल में आता है, 12 तो हमारा है ही 2 के टेबल में, 3 का, 4 का, तो इसके कई सारे फैक्टर हो गए हैं। 15 भी हमारा 3 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है, 1 का टेबल में, 15 का टेबल, लेकिन 17 देखिए 17 किसी का टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 17 में आएगा, 17 वन जा और 1 में 17 जा बस। और 19 भी इसी तरह से, 21 हमारा 73 जा 21 होता है, 25 भी हमारा 55 से 25 होता है, तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। 33 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, 11 3 ज़ा होता है, 33
वनजा हो गया, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 37 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, 37 होगा और 1 होगा, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हो गए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट, इसमें से कंपोजिट कौन है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो हमारा है 14, 15, 19 नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर है, 20, 24, 27 होगा क्योंकि 27 हमारा 3 के टेबल में आता है, और 29 नहीं होगा, 30 होगा और 32 होगा, बस ये दो नंबर हमारे नहीं होंगे। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30, तो जितने भी 20 से लेकर 30 के बीच में प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो 20 के बाद से आप काउंटिंग स्टार्ट करिए 30 तक, तो 20 के बाद क्या होता है हमारा 21, जो कि हमारा डिवाइड हो जाता है, दो से ज़्यादा फैक्टर है। 22 ये भी 11 का मल्टीपल है, 23 ये नहीं होगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 23। फिर हमारा है 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो बस एक 29 हमारा हो गया, 30 तक ही करना है तो 23 और 29, क्योंकि बाकी सभी के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50, 40 और 50 के बीच के सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो 40 से लिखिए, स्टार्ट करते हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब देखिए इसमें कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं, 41 नहीं होगा, 42 होगा, 43 नहीं होगा, 44 होगा, 45 भी होगा, 46 भी होगा, 47 नहीं होगा, 48 होगा, 49 होगा और 50 होगा। आप सोच रहे होंगे 45, देखिए 45 हमारा आता है ना, 45 हमारा टेबल, इसका 9 के टेबल में आता है आपका, और फिर 49 भी हमारा 7, 7 या 49 होता है, लेकिन 41, 43 और 47 कहीं नहीं आता है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 से 50 के बीच के जो कंपोजिट नंबर हैं वो क्या क्या हैं, 42, 44, 45, 46, 48, 49 और 50, ये आपका आंसर होगा। तो ये वर्कशीट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।